हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो जैसा कि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी जिसमें मैंने कश्मीर की स्थितियाँ दिखाने की आपको कोशिश की थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ स्थिति समझ में आई होगी। नहीं आई है तो पहले हम लोग स्माइल करेंगे, ठीक है, पहले मुस्कुराएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा निगेटिव और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो उसी के साथ साथ हम लोग स्माइल भी करते हैं। और हमारा कश्मीर अब बदल रहा है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है। पहले के समय में जब हम लोग बातचीत करते थे आपस में कि कश्मीर जाना है या उसमें भी पुलवामा राजौरी और अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या कहीं किसी और जगह पर जाना है, तो बहुत ही भय सांदर में होता था, बहुत डर लगता था जाने में कि ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या भाई, है ज़िंदगी वंदगी से प्यार नहीं है क्या, तब जाएगा ससुरा कश्मीर है, ज़िंदगी से प्यार नहीं है तुमको, ऐसा होता था बात हम लोगों के बीच में। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और जो नहीं बदली है वो बदल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो लोचा था इसमें, सबसे बड़ा जो कहा जाता है ना कि एकदम उठा रोड़ा था इसमें, वो क्या था, हमारा धारा 370 और 35 है, जिसको 2019 में 5 अगस्त को हटा लिया गया था। तो सबसे पहले अपनी स्माइल दीजिए, हा 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 हाँ। तो आप इस वीडियो क्लिप को फिर से देखिए। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सब कुछ देखा होगा, तो किस तरीके से कश्मीर की सुंदरता है और वहाँ के लोग किस तरीके से, कितना रिच कल्चर और हेरिटेज वहाँ का रहा है और वहाँ के लोग किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, ये इस वीडियो छोटे से वीडियो में मैंने इसको दर्शाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो आगे बढ़ते हुए पहले मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, जिसने ये सब कुछ करा, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कहानियाँ शुरू हुई, जिसके वजह से मतलब कि कश्मीर में 32 साल बाद लोग सिनेमा देख पा रहे हैं, खुल के त्यौहार मना पा रहे हैं, लोग मिलजुल पा रहे हैं, ठीक है, और लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो खुशी है, मैं वाकई में चाहता हूँ, मैं खुद से जाके चाहता हूँ कि मैं आपके कश्मीर के आवाम से आपको मिलाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलाऊँ, वहाँ के युवाओं से मिलाऊँ, ठीक है, वो कितना खुश हैं आज के डेट में, हर त्यौहार वो एकदम हमारी तरह जैसे बाकी देश के लोग मनाते हैं उस तरीके से वो मनाते हैं। लेकिन चैनल की फंडिंग उस तरीके से नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो और कदम इस वजह से रुक जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर जाऊँगा कश्मीर और वहाँ के लोगों से आपको ज़रूर मिलवाऊँगा आने वाले समय में। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को समझिए, और सबसे पहले बात करेंगे इसकी, इसको देखिए, ये भूखा नंगा आतंकवादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान है। इसका आप लोग मैप देखिए, ध्यान से नक्शा देखिए, भूखा नंगा जिस देश ये, ठीक है, भिखमंगा देश, कर्ज में डूबा देश पाकिस्तान, ई ससुरा को अलग, ये इतना बड़ा ये छोटा देश है, क्या है, और कटोरा लेके पहुंच जाता है सबके सामने, ठीक ना। और इसको देखिए आप लोग, अब आगे देखिए, अब ये कौन है, ये चाचा, अरे काहे रो रहा है बाबू तुम्हें, अरे काहे रो रहा है जी तुम्हें, अरे इमरान चाचा है, इनको जानते नहीं आप लोग, जानते होंगे जरूर, अरे पहले को XPM है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, बाबू तुम काहे रो रहा है, ये चाचा मत रो, अरे इतना मत रो चाचा, काहे इतना रोते हो, हैं इतना रोगे तक कितना बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपसे ये भी वादा कर दें, अभी आप ऐसे रो रहे हैं, कल सीना फाड़ फाड़ के रोएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने धारा 370 हटाया है, अभी तो POK बाकी है, अभी अखंड भारत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, पूरा पाकिस्तान भी आपका लेंगे हम लोग, ठीक है ना, अभी धीरे धीरे सब कुछ होगा चाचा, रोइए मत, नहीं मत रोइए, अरे इतना दुख नहीं सा, अरे बाप रे बाप, अभी तो और रोना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये कौन है, ये शहबाज खान है,
और ये वर्तमान प्रधानमंत्री है, ये तुम कौन सी करो बाबू है, तुम कौन सी कर रहा है, देखिए इसको क्या कर रहा है, समझिए इसके बात को, तुम भी समझ लो अच्छे से, ठीक ना। अभी आने वाला समय बहुत खेला होने वाला है, तो रुके रहो, टेंशन मत लिया करो तुम लोग, ठीक ना। और जितना पाकिस्तानी लोग है, पहली बात इस वीडियो को तुम लोग मत देखना, और देख भी रहे हो तो देख लो इस सबको, ठीक ना। वादियों की फैक्ट्री तुमने खोल के रखी है ना, इसको जितनी जल्दी बंद कर दोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर तो हम बंद करा ही देंगे। कितनी अच्छी बात है। सबसे पहली चर्चा मैं जो करूँगा उनकी करूँगा, जिन्होंने कश्मीर के लिए दिन रात भाग दौड़ करके, मतलब कि इतना उन्होंने मेहनत किया है कश्मीर के लिए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। आप मनोज सिन्हा जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में, ठीक है। उपराज्यपाल हिंदी में कहते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, है ना। तो आपने इतना मेहनत किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी खुशियों के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं। और सिनेमा हॉल जो खोला गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा निवृत्ति सिनेमा हॉल शोपियां पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और हर जिले में सिनेमा हॉल खोलने की आपने तैयारी कर ली है, है ना। हर जिले में सिनेमा हॉल खुलेंगे, श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया जा चुका है, और पूरी तरीके से मतलब आप पूरी इन्वेस्टमेंट आ रही है श्रीनगर में और आसपास के इलाकों में, पूरे जम्मू कश्मीर में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बसने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। विकास में जम्मू कश्मीर के धीरे धीरे चार चांद लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है भारत सरकार के कोऑपरेशन के साथ, और आपका इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो मनोज सिन्हा जी के बारे में बताऊँ तो ये 3 बार गाजीपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ से आप सांसद रह चुके हैं, और भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं, और रेल मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो आपका राजनीतिक करियर जो है बहुत ही पुराना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब योगी जी का चुनाव हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो उस समय आप भी मुख्यमंत्री पद के रेस में एक चेहरा थे, सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है, है ना। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और आपकी जो सही जगह है जम्मू कश्मीर के लिए ही है, और लोगों को किस तरीके से, और आपने, आप सबसे बड़ी बात इस फोटो में देखिए, वो बैठ करके आराम से सिनेमा हॉल में के अंदर में भाग मिल्खा भाग पिक्चर लगी हुई थी, आपने देखा हुआ है, ठीक है, पूरा मूवी आपने वहाँ पे देखा, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के, और मैं वाकई में इनसे भी आपको मिलाना चाहता हूँ, इन फ्यूचर जरूर कोशिश रहेगी कि आपको मैं इनसे मिलाऊँ, है ना। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि शोपिया और पुलवामा में खोल दिया गया है, सिनेमा हॉल को खोल दिया गया है, लोग अब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 1980 में सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के, लेकिन 1990 में फिर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन एक श्रीनगर के बहुत ही प्रोमिनेंट सिनेमा हॉल पे, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक आतंकी हमला किया गया, बहुत ही लोग मारे गए थे वहाँ पर, तो बहुत नुकसान झेला है सब, ठीक ना, कश्मीर वाला लोग भी बहुत ज़्यादा, और बहुत लोग मारे गए थे, तो उसकी वजह से फिर सारे सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। तो 32 साल बाद ये उदय हुआ है, सिनेमा हॉल्स कश्मीर के खुल रहे हैं, और पुलवामा और शोपिया में खोल दिए गए हैं, आने वाले समय में हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिनेमा हॉल्स खोले जाएंगे, जो कि मिशन यूथ के तहत हो रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इसका नक्शा देखिए जम्मू कश्मीर का, आप ध्यान से देखिए जम्मू कश्मीर का नक्शा, ठीक है। तो स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था 1950 में, और स्टेट का दर्जा खत्म हुआ कब, 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि धारा 370 और 35 ए को वहाँ से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो एक तरफ देख रहे होंगे कि आप लोग, उस तरफ लद्दाख है, इस तरफ क्या है हमारे पास, जम्मू कश्मीर है, और इधर देखिए पीओके का कुछ इलाका है, उस साइड में देख रहे होंगे तो हमारा अक्षाई चीन का कुछ इलाका है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको कंक्लूड करना है, अखंड भारत तो हमारा सपना है भैया, लेके रहेंगे, ठीक है। मतलब सेना पूरे जोश में है, मौका जहां मिला छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इंडिया की पहले से ही पॉलिसी रहती है कि कभी इंडिया पहले नहीं रहता किसी भी युद्ध में, हमेशा से भारत की ही पॉलिसी रही है कि भारत कभी प्रथम नहीं रहता है, लेकिन अगर टन पिन किए बबुआ ने तो जून उड़ाएंगे ना, पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ तो समझते हैं आर्टिकल 370 को, देखिए वीडियो में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो ये 35 को दोनों को समझते हैं, देखिए ये सब क्या कहता था कि आर्टिकल 370 में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, राज्य का एक अलग से फ्लैग होता था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। सेपरेट फ्लैग देखिए यहाँ पर, वहाँ का खुद के लोगों का, वहाँ के नेताओं का खुद का स्वशासन चलाता था सब, ठीक ना। नेता लोग का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये सब बहुत, ये सब चट्टा था एक नंबर का सब, जैसे कश्मीर को ना बहुत बर्बाद किया है सब, ठीक ना।
देखिए आगे ऑटोनॉमी इंटर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे खुद का स्वशासन ये लोग चलाते थे ठीक ना, और पाकिस्तान से सबको पैसा मिलता था। आप लोग नहीं जानते होंगे, आज जान लीजिए मेरे वीडियो से ठीक ना, पाकिस्तान से सबको पैसा मिलता था। ऐसे जम्मू कश्मीर में एकदम पूरा नौटंकी किए हुए थे, इतना नुकसान हुआ, इतना प्रॉपर्टी का लॉस। हमारे सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे फौजियों का है, उनके परिवारों का है ना। चलिए देखिए आगे, ये हो गया। और 35 ए क्या कहता था कि प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीद सकता बबुआ, तू तेरा मन कर दिया जम्मू कश्मीर में जाकर रहने का, घर मकान कुछ नहीं बना पाएगा, जा इसी रह, चल नो वोटिंग, वोट नहीं कर सकते हो वहाँ पर है ना, वोटिंग नहीं कर सकते, मतलब वहाँ का नागरिकता आपको नहीं मिल सकती थी। ये थी वाली बातें हैं सब, ऐसा कुछ होता था ठीक है। 5 अगस्त 2019 से ये सब चीज़ें खत्म हो गई। नो हेल्थ केयर, आपको राज्य सरकार का कोई भी अगर वहाँ पर, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है जो पूरे देश के लिए चल रही है, अगर जम्मू एंड कश्मीर सरकार का कोई राज्य की तरफ से ऐसा कुछ है कार्यक्रम जिसमें लोगों को कुछ लाभ मिलता हो, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिल पाता था। और नो गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब को सपना भूल जाओ, अगर तुम बाहरी हो। ये सब बातें सब मैं इंडियन सिटीजन के लिए कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा, लेकिन उसके उलट भारत में रहते हुए भी हम लोगों को वहाँ पे कोई अधिकार नहीं। मैं जाऊँगा वहाँ पे तो कुछ हो नहीं ना, जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा मुझे, मिलता था मुझे है ना, ना प्रॉपर्टी मिलती अगर मैं उस समय जाता तो, ना वोट कर पाता, ना हेल्थ केयर मुझे मिल पाता, ना गवर्नमेंट जॉब हमको मिल पाता, ना स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें मुझे नसीब नहीं हो पाती जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है। अगर मैं जब ये बहाली थी इसकी तब मैं जाता तो है ना, ये सब चीज़ें। तो आगे समझते हैं आगे क्या है, ये समझ गए होंगे ये बहुत ये सब खतरनाक था आर्टिकल 335। यही कश्मीर को ना इस आतंकवादियों से ज़्यादा तो यही बर्बाद किया है ठीक है। ये आर्टिकल जो दोनों थे ना, ये जो स्पेशल दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, वहाँ ये दर्जा दिया गया था वहाँ के लोगों की खुशी के लिए ठीक है। कभी मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, वहाँ को मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर को भारत में, तो ये सब दर्जा दिया गया था, लेकिन समय के साथ इसका बहुत ही दुष्प्रभाव हुआ और इसको अंततः मोदी सरकार ने हटाया। चलिए आगे देखते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टेट जो जम्मू कश्मीर के पास है 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक रहा है ना, राज्य का दर्जा तब तक रहा, उसके बाद यूनियन टेरिटरी में टूट गया। तो दो यूनियन टेरिटरी बने हमारे पास, पहला कौन सा बता चुका हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर हमारे पास है अभी श्री राधा कृष्ण माथुर जी ठीक है। की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी सी बात है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो रे बाबू, कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। भारत के संविधान के अंदर में हर देश के नागरिक को इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए, भले उसमें क्या लिखा है वो पता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सी बात पता होनी चाहिए, 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं भारत के संविधान के अंदर में है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम में कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी पंडित वो चेहरा है, वो लोग हैं, वो उन लोगों का समूह है, स्पेशली हिंदुओं का समूह है, पंडित हिंदू ही होते हैं, जिन्होंने इतना दर्द सहा है, इतना दर्द सहा है, जिसको आपने वीडियो क्लिप मैंने जो चलाया हुआ था उसमें आपने देखा होगा, हद से ज़्यादा दर्द सहा है। चलो लेट करते हैं, थोड़ा मैथ के स्टूडेंट हम लोग हैं तो लेट करके काम करते हैं, देखते होंगे मैं भी यहाँ पे फिगर लेट कर देता हूँ आपके लिए ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तो मुझे फिगर वो तो नहीं रहता, मैं बाद में लगाता हूँ लेयर्स के फॉर्म में ठीक है। लेट करके चलता हूँ क्योंकि डिजिटल स्टूडियो है नहीं मेरे पास, बस आपके प्यार, आपके लव और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, लेट करते हैं आपके सामने, आपके घर के आसपास, आप जहाँ भी रहते हो, भारत देश के या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो आप, उसके आसपास बंदूकधारी घूमने लगे, आतंकवादी घूमने लगे, अलगावादी घूमने लगे, ससुर एकदम पूरा बंदूक लेके घर में घुस घुस के लोगों के साथ अनाचार अत्याचार करने लगे, लोगों को मारने लगे ठीक है, और चारों तरफ डिफेंस फोर्सेस की टीम भी घूमने लगे है ना, और लोग को बचाने से ज़्यादा लोगों की हानि हो रही हो, वहाँ पर लोग मर रहे हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही करोगे कि ऐसा कुछ सोचोगे कि पहले कुछ दिनों तक चल रहा है तो एडजस्ट कर लेते हैं, या एडजस्ट उसमें कैसे करोगे, पॉसिबल है क्या एडजस्ट करना, क्या लोग आपके सगे संबंधियों को मारा जाएगा, उनको कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, उनके सारे अधिकारों को, संविधान देश का हमें राइट टू लाइफ देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, फ्रेटर्निटी देता है, ये सब कुछ हमें देता है, जीने का अधिकार देता है, हर चीज़ का अधिकार हमें संविधान हमारा देता है, लेकिन सारे अधिकारों को कुचल दिया जाए आपका ठीक है, सब तरीके से आपके लिए रास्ते बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, या तो उस जगह को छोड़ करके भाग जाओगे, या तो किसी बिल में घुस जाओगे, या तो मरना ही पसंद करोगे, यही सब चीज़ें कर सकते हो और क्या करोगे। ऐसा ही स्थिति हुआ था हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में, भयंकर जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, उसके वजह से डरे भयभीत हमारे कश्मीरी पंडित
देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बसे हैं, या कोई फॉरेन चला गया, या कई सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, और बहुत ही दुख दर्द का समय था। और ये सब कुछ तब हुआ जब देश आज़ाद था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, तो हम तो उस समय थे नहीं, मेरा तो जन्म ही 2003 में हुआ है साला, हम तो थे नहीं, हम तो देखे नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब इतिहास को पन्नों को पलटते हैं, इतिहास में ये सब चीज़ें दर्ज हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि सब चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इतनी दिक्कत हुई। कश्मीर फाइल्स देखिए आप लोग, ये मूवी आपने देखी होगी जिसमें सारी सच्चाई बताई गई है कश्मीरियों की, कश्मीरी पंडितों की, खास करके जो दिक्कतें उनको हुई सब कुछ दिखाया गया है। तो उसको, उस मूवी को आप लोग नहीं देखें तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा आपको, और देखिए, बिल्कुल ज़रूर देखिए। उस मूवी को देखना हर भारतीय का एक कर्तव्य तरीके का एक बनता है ना। तो आप उस मूवी को ज़रूर देखिए, तो उसमें जो लोगों के दुख हैं उसको आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, ऐसे ही इस तरीके से आप फील नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसको उतना इतना दुख हुआ, तो आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे, भागोगे, माइग्रेट करोगे, दूसरे कोनों में जाओगे देश के, और कहीं बचने की कोशिश करोगे, यही करोगे ना। वही हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि उस समय सिस्टम क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, और मीडिया क्या कर रही थी। सब कुछ मूक दर्शक बने हुए थे, और जो हुआ है इतिहास में बहुत ही खतरनाक हुआ। ऐसा कुछ आज़ादी के बाद तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत ही दुख की बात है, और हम लोग सब एक एक पैसा का बदला लूंगा, पाकिस्तान वाला सब याद रखना, ठीक ना। पूरा देश जोश में है, हमारी सेना पूरी तैयार है, मौका जहां मिला आर्य पार, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब चीज़ें आपकी आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।